श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंध 300 अध्याय यदकुल का संहार। इससे पूर्व के अध्याय में हमने भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बदरिकाश्रम गमन, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच हुए ज्ञानवर्धक संवाद का श्रवण किया। अब आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? प्रभो यदवंश श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म साप ग्रस्त होने पर सबके नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? भगवन जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़सा जाता है, वहां से हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अशकुन हो रहे हैं तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली हैं। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौ की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मेरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थीं, पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। इनके अतिरिक्त निषठ, उल्मुख, सहस्त्रजित, सत्यजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था।
दासारह वृष्णी अंधक भोज सात्वत मधु अर्बुद माथुर सूरसेन विसर्जन कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहद सुहद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्र अस्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के साप के कारण उत्पन्न हुए लौहमय मूसल के चूड़े से समुद्र के तट पर पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मदगरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने बच्चियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो गई थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ी। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्म साप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। परिचित बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दैदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्ष स्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियाँ और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी भुजा पर बाएं चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बांस की गासी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिन के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाण से बींध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों का मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूँगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है।
ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे तू डर मत, उठ उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्य जनों को होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारु को उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असहाय तेज वाले आयुध मूर्तमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभो, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण 1 स्कंध 300 अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।